स्टूडेंट्स के लिए कुछ बेसिक मैनर्स होते हैं। आप 10 मिनट लेट आई, आपको दरवाजे पर आकर अंदर आने के लिए परमिशन लेनी चाहिए थी जो आपने नहीं ली। अब आप यहां से बाहर जाइए और प्रॉपर परमिशन लेकर अंदर आइए। सोनल बेटा, कल के बिहेवियर पर जो भी आपने किया है आप प्रोफेसर से बोलिए। नहीं सर, सोनल पहले ही सॉरी कह चुकी है। सोनल, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छा टीचर बनूं। हेलो, हाउ आर यू सोनल? मैं ठीक हूं, बट आई डोंट थिंक कि मैं आपको जानती हूं। जानती तो हो लेकिन पहचानती नहीं हूं। तो आप बता दीजिए कि आप कौन हैं? आई एम पूरब। पूरब? कौन पूरब? स्कूल में तुम्हारे साथ था और अब ट्यूटोरियल क्लास में भी तुम्हारे साथ, यू नो। तो तुमने अपना इंट्रो क्यों नहीं दिया? पहले दिन तो मौका ही नहीं आया, प्रोफेसर से तुम्हारा झगड़ा हो गया, तुम चली गई और आज मेरी बिजनेस मीटिंग थी इसलिए मैं आ नहीं सका। ग्रेट, पढ़ने के साथ साथ बिजनेस भी करते हो, वेरी गुड। क्या बिजनेस है तुम्हारा? गारमेंट एक्सपोर्ट का। वेरी गुड, तो ठीक है, कल मिलेंगे। हाँ ऑफ कोर्स, देखते हैं तुम मुझे पहचान भी पाती हो कि नहीं। लेट्स सी, ओके, बाय। बाय। चाय बनाओ तेरे लिए। नहीं माँ, खाना तैयार है। हाँ बिल्कुल। तो बस एक काम करो, खाना लगा दो क्योंकि मुझे सुबह जल्दी कॉलेज जाना है, सुबह की क्लासेस जो शुरू हो गई है। अच्छा, तुम नहा धोकर आओ, मैं खाना गर्म करती हूँ। ठीक है माँ। हेलो भैया, हम गौरी बोल रहे हैं। अरे तुम रो क्यों रही हो? भैया आप और माँ तो हमें भूल ही गए हैं ना। अरे हम तुझे बिल्कुल नहीं भूले हैं, बहुत याद करते हैं। तू ये बता कि फोन कैसे किया, कोई खास बात है? नहीं भैया, ऐसे आपकी और माँ की याद आई इसलिए मैंने फोन किया। अच्छा ठीक है, तू खुद ही माँ से पूछ ले कि हम दोनों तुझे कितना याद करते हैं। हेलो बेटा, कैसी हो? माँ हमें अपने पास बुला लो। क्यों, पुरु से झगड़ा किया? नहीं माँ, लेकिन वो हमारी कोई बात नहीं मानता। नहीं मानता ना तो तू अपनी जिद छोड़ दे। हमें मालूम था माँ, तुम हमेशा हमें ही दोष दोगी। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे क्या पता कि तुम दोनों ने वाकई में झगड़ा किया है। हमने झगड़ा नहीं किया माँ। गौरी तुम एक काम करो, तुम पुरु को लेकर बम्बई आ जाओ कुछ दिनों के लिए। अगले हफ्ते 3 दिन की छुट्टी भी है। ठीक है? ठीक है भैया, हम उससे बात करते हैं। अच्छा ठीक है, फोन नीचे रखो, एसटीडी करने में बहुत पैसे खर्च होते हैं। हाँ जी भैया। क्या उन दोनों का सचमुच झगड़ा हो गया है? अब तुम ये हर माँ की तरह फिक्र करना मत शुरू कर दो। अरे कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ है माँ, पहली बार हम दोनों से दूर रही है, याद आ रही होगी और क्या बस। अच्छा अब तुम चिंता करना छोड़ो और जल्दी से मेरे लिए खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है मुझे। चलो किसे फोन कर रही हो? सूरज को। रख दो वो फोन, आज के बाद तुम ना उसे फोन करोगी और ना ही उसे मिलोगी। क्यों रहे? क्योंकि हमें उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानकारी मिल चुकी है। उसका सगा बाप कई सालों से लापता है, उसके अब के बाप की पहली बीवी और दो बच्चे हैं जो इसी शहर में हैं, उसके बड़े भाई का घर की नौकरानी के साथ अफेयर है और वो प्रेग्नेंट है। सूरज खुद फाइनल ईयर में फेल हो चुका है। हम ऐसे घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते। जब लोग ये पूछेंगे कि अपनी बेटी की शादी किस खानदान में कर रहे हैं तो क्या जवाब देंगे?
या ये कह देंगे कि ऐसे खानदान में जिसके हर मेंबर का कहीं ना कहीं नाजायज रिश्ता हो। मुझे तुम पर बहुत अफसोस है, सारी दुनिया में तुम्हें सिर्फ सूरज ही मिला। लेकिन डैड, सूरज एक अच्छा लड़का है, उसमें तो कोई ऐब नहीं है। उसमें गुण ही क्या है, फाइनल्स में एक बार फेल हो चुका है और एम्बिशन है 5-7 हज़ार की नौकरी करने की। इसके अलावा बेटी, ये यूएस नहीं है जहां किसी भी फैमिली बैकग्राउंड को एक्सेप्ट किया जाता है, ये हिंदुस्तान है। या शादी दो इंडिविजुअल्स में नहीं, दो खानदानों में होती है। हमने एक लड़का देखा है तुम्हारे, वो भी NRI, उसके पेरेंट्स अगले हफ्ते यहां आ रहे हैं एंड आई एम श्योर यू विल लाइक हिम। ओके, और हां, उस लड़के सूरज से मिलने या फोन करने की कोशिश भी मत करना, समझी? बच्चे कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे? मालूम नहीं। क्या मतलब? मैंने आवाज दी लेकिन कोई आया नहीं। तुम्हारा मूड कुछ खराब है क्या? किसी बात पे अपसेट हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मेरा मूड खराब हो जाए। सीता को उस फ्लैट के बारे में बताया? उसी वक्त बता दिया। कैसे लगा उसे आइडिया? ये तो मैंने पूछा नहीं, तुम फोन कर लो या फिर शाम को जाओगे तो खुद पूछ लेना। मीता, बात क्या है? मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम इतना नाराज हो रही हो? मैंने कब कहा कि तुमने कुछ किया है? आज शॉपिंग के लिए जाना था और मैं लेट हो गया, इतनी सी बात है। ओके, प्रॉमिस, कल हम जरूर जाएंगे और मैं सीता को भी इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, मुझे नहीं जाना शॉपिंग पर, आप उन्हीं को ले जाइए। गौरी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। गौरी, गौरी, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। तुम्हें पसंद नहीं आए? मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज क्यों, क्योंकि मैंने रिश्वत नहीं ली ना। तुम समझने की कोशिश करो गौरी, ये मेरे संस्कार में नहीं है। ऐसा करके मुझे लगता है कि मैं उन लोगों को धोखा दूंगा जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे काम दिया है। मुझे रिश्वत लेना पाप समान लगता है। तुम चाहती हो कि मैं पाप की जिंदगी जीऊं? बोलो गौरी। गौरी, तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। गौरी बोलो, हम तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहते। हम तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर तुम हमसे प्यार करते हो और हमें खुश देखना चाहते हो तो तुम्हें हमें वो हर सुख देना होगा जो हमारी सहेलियों के पास। क्या है तुम्हारी सहेलियों के पास? रिश्वत का पैसा? नहीं, पैसे से खरीदी हुई हर खुशी, टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, कार, बैंक बैलेंस, नौकर चाकर, अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, क्या नहीं है उनके पास? गुरु, अगर तुम हमें ये सब नहीं दे सकते तो हम कभी खुश नहीं रह सकेंगे।
काफी दिन से देख रहा हूं, परेशान हो। परेशानी तो कोई नहीं है, बस जरा तबीयत खराब है। हम दोनों इतने साल से एक दूसरे के साथ हैं कि बिना कहे भी शायद एक दूसरे की बात समझते हैं। तुमने कहा नहीं, लेकिन मैं जानता हूं जब से सीता यहां आई है तुम परेशान हो। उसके यहां आने से तुम्हें अचानक इनसिक्योरिटी का एहसास होने लगा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद उनको दीदी कहती हूं, अपनी बड़ी बहन मानती हूं उन्हें। जब वो दूर थी तब उन्हें दीदी या बहन मानकर तुम खुश थी, लेकिन उसके यहां आ जाने से तुम्हें अचानक लगने लगा है कि वो तुम्हारी सौत है। मीता, कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं कि मैं तुम्हें छोड़कर उसके पास चला जाऊंगा? अगर मुझे ऐसा कोई डर या इनसिक्योरिटी होती तो मैं तुमसे कभी यह नहीं कहती कि उनका अधिकार तुम पर ज्यादा है। तुम चाहो तो उनके साथ जाकर रह सकते हो, कहा था ना मैंने? हाँ, लेकिन तब तुम्हें यकीन था कि मैं ऐसा हरगिज़ हरगिज़ नहीं करूंगा, और अब तुम्हारा वो यकीन धीरे धीरे टूट रहा है। देखो जनार्दन, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूं, उनका हक तुम पर पहला है, और मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से उनका हक उन्हें ना मिले। मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, हम जी लेंगे। तुम बात यहां तक आ गई है, मेरे और तुम्हारे बच्चे अलग अलग हो गए हैं, जबकि पहले वो हमारे बच्चे थे। मैंने जो कहा उसका सिर्फ उतना ही मतलब निकालो जितना है। तो मीता, तुम भी ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हें और इस परिवार को छोड़कर जाऊंगा, प्लीज। जानती हूं तुम अपने धर्म का पालन करने के लिए रहोगे तो यहां, लेकिन तुम्हारा मन वहां रहेगा, तुम्हारा वक्त वहां कटेगा, और अगर ऐसा होना है तो फिर मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम यहां रहो या वहां। शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्या कहा तुम्हारे पापा ने? मेरे डैड ने जो कहा है वो मैं रिपीट नहीं कर सकती। तो सीमा, मुझे पता कैसे चलेगा उन्होंने बोला क्या है? तुम जानते हो सूरज, मेरे डैड ने जो कहा है, तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे भाई से जो गलती हुई है उसकी सजा वो तुम्हें दे रहे हैं। और सूरज, जो कुछ भी करना प्लीज जल्दी करो, वरना मेरे पेरेंट्स तुम्हें मुझे हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर देंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा सीमा, मैं क्या करूं? लेकिन जो गलती मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई ने की है उसका जिम्मेदार वो मुझे क्यों ठहरा रहे हैं? वो जिम्मेदार तुम्हें नहीं ठहरा रहे हैं सूरज, वो समझते हैं तुम भी उनके जैसे निकलोगे। अगर वो ऐसा सोचते हैं तो बहुत गलत सोचते हैं, मेरा ऐसा कोई इरादा तो नहीं है।
लेकिन अगर वो हमारे बीच आए तो मैं इस दुनिया का बुरा से बुरा आदमी बनने को तैयार हूँ। क्या कह रहे हो सूरज? सच कह रहा हूँ, जब उनकी बेटी को भगा के ले जाऊंगा ना, तब वो भी यही कहेंगे। सूरज विश्वास करो सीमा, मजबूरी अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो मैं जरूर करूंगा। सूरज मेरा भी विश्वास करो, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। ये सुबह सुबह मुझे मिलने कौन आ गया? बताइए क्या काम है, मैं तो आपको जानता भी नहीं। अभी जान जाओगे, मैं पद्मा की चाची हूं। पद्मा की चाची है तो मुझसे क्या काम है? मैं तुम्हारे माँ बाप से मिलना चाहती हूँ। तुम ले जाओगे मुझे उनके पास या फिर मैं खुद ही चली जाऊंगी? मेरे माँ बाप के पास तुम्हारा क्या काम है? तो तुम नहीं समझे कि मैं उनसे क्यों मिलना चाहती हूँ, या फिर नहीं समझने का बहाना कर रहे? मूड मत खराब करो, बताओ क्या बात है। मैं तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारी और पद्मा की शादी के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो फिर वहाँ जाओ ही मत, क्योंकि अभी मेरी उम्र शादी करने की नहीं है। तो तुम्हारी उम्र शादी करने की नहीं है लेकिन बाप बनने की है। क्या? पद्मा ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुमने उसे बेहोशी की दवा पिलाई, उसके साथ बलात्कार किया और अब वो माँ बनने वाली है। What nonsense! पता नहीं कहां से प्रेग्नेंट होकर आई है और इल्जाम मुझ पर लगा रही है। क्या सबूत है उसके पास? और अगर वो बेहोश थी तो वो कैसे जानती है कि उसके होने वाले बच्चे का बाप मैं हूं? अब जाओ यहां से, किसी और को बेवकूफ बनाने की कोशिश करना।